नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रॉक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बाकी के भाग, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। इसके साथ साथ हम आज उत्तर भारत का मैदान भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह है वृद्ध हिमालय, जैसे आप मैप में देख रहे हैं। वृद्ध हिमालय की सबसे पूरी चोटी नंगा पर्वत, पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत और पूरी चोटी नामचा पर्वत। नामचा पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है और नंगा पर्वत जो कि पश्चिम में है सिंधु घाटी के पास में, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। यह एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये डायग्राम में देखो, एक लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसके ऊपर वर्ल्ड की सबसे 10 ऊंची चोटियां पाई जाती है। इस श्रृंखला पे भारत की हिमालय पर स्थित ऊंची चोटी कंचनजंगा, फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसके अलावा मकालू, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में मनसालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत और इस प्रकार नंगा पर्वत तक ऊंची ऊंची चोटियों का विस्तार है। ये जो क्रम मैंने अभी बताया, ये पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है। इनमें चोटियों की ऊंचाई को देखें तो नामचा पर्वत 7756 मीटर, कंचनजंगा 8595 मीटर, मकालू की जो हाइट है वो 8481 मीटर, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, मनसालू जिसकी हाइट है 8156 मीटर, उसके बाद अन्नपूर्णा 8078 मीटर, धौलागिरी 8167 मीटर, नंदा देवी 8716 मीटर और कामेत जो उत्तराखंड में है 7756 मीटर। नामचा पर्वत के लगभग बराबर है ये भी और नंगा पर्वत 8126 मीटर। ये सब चोटियों की हाइट है और ये वर्ल्ड की 10 ऊंची चोटियों में इनका नाम आता है। वृद्ध हिमालय जिसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये वृद्ध हिमालय द्वारा सचर जोन द्वारा विस्थापित है, यानी अलग किया गया सचर जोन और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में सचर जोन पड़ता है। वृद्ध हिमालय जो तीन श्रेणियां हिमालय की हम देखते हैं, उनमें सबसे ऊपरी श्रेणी वृद्ध हिमालय है, यानी तीन श्रेणियों में शिवालिक, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय। तो ये सबसे ऊपरी श्रेणी है ये तीनों श्रेणियों में, और ये ज्यादातर आग्नेय चट्टानों से मिलके बना है। अगर इसकी औसत हाइट की बात करें तो 6100 मीटर इसकी औसत हाइट है और चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। इस पे अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे गंगा नदी जहां से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना निकलती है वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर, एक उत्तराखंड में पड़ता है चेराबाड़ी ग्लेशियर, एक दूसरा ग्लेशियर है मालिंग ग्लेशियर। तो ये इस प्रकार यहाँ अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य नाम मैंने आपको गिनाया अभी। अभी हम इनमें देखते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है चोटियों में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू, देखो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं केटू काराकोरम की ऊंची चोटी है, वो हिमालय की ऊंची चोटी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ये जिसका दूसरा नाम गॉड यूनिवर्सिटीन है। और अगर क्वेश्चन है कि हिमालय पर स्थित भारत की ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8595 मीटर है। तो हिमालय पर स्थित भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू
और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये सब क्वेश्चन है जो एग्जामिनर घुमा के देता है। वृद्धिमाला से अनेक नदियां निकलती है जिनमें हम देख सकते हैं यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये बहुत सारी नदियां हैं जो वृद्धिमाला से निकलती है। इनके अलावा यहाँ उत्तराखंड में एक चोटी है जिसको बंदरपूच के नाम से जाने जाते हैं, जिसको सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आकाश, स्वर्ग का भाल, देवगिरी, पर्वतों की रानी, जिसका तिब्बती मीनिंग है चोमोलुंगमा, तिब्बत में से चोमोलुंगमा भी कहते हैं। ये था हमारा वृद्धिमाले। वृद्धिमाले के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लघु हिमालय। लघु हिमालय वृद्धिमाले के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि हम चित्र में अभी यहाँ देख रहे थे, ये यहाँ पे लघु हिमालय, तो यहाँ आप देख सकते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय वृद्धिमाले के दक्षिण में स्थित है और एक कंटिन्यू श्रृंखला के रूप में ना होकर छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में है और आगे जाकर ये वृद्धिमाले और शिवालिक से मिल जाता है, यानी इसका कोई भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व अगर देखें तो इन्हीं चार पांच पहाड़ियों में श्रेणियों में नजर आता है। तो इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल है, उसके बाद धौलाधार, मंसूरी, महाभारत और नारदीवा, ऐसे करके इसकी पांच प्रमुख श्रेणियां है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। अगर हिमालय की सभी श्रेणियों में ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन सब में हम बात करें तो लघु हिमालय सबसे चौड़ा हिमालय है और ऊंचे हिमालय की बात करें तो वृद्ध हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय, नवीन हिमालय की बात करें तो शिवालिक सबसे नवीन हिमालय, प्राचीन हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय। ये सब क्वेश्चंस का आंसर में ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के हमसे सवाल करता है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधार हिमाचल में है, मंसूरी उत्तराखंड में, महाभारत और नारदीवा दोनों नेपाल में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पे यहाँ सुरंग बनाई गई है जिसको ज्वार सुरंग बोलते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग निकलता है। ये ऊपर में आप एक डॉट का बिंदु देख रहे हैं, ये श्रीनगर को दर्शाता है और ये नीचे जम्मू, यानी जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहलाता है। और ये यहाँ पे एक दर्रा है जिसको बनिहाल दर्रे के नाम से जाना जाता है, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ज्वार सुरंग से होता हुआ रास्ता जाता है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का यूज किया जाता है और पीर पंजाल श्रेणी के दर्रे का यूज किया जाता है। धौलाधार श्रेणी को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से हिमाचल में स्थित है। यहाँ पे हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित है जो कि एक पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पे गर्मी के टाइम में या छुट्टियों के टाइम में जो छुट्टियां होती है, बर्फ यहाँ पे रहती है, तो बहुत सारे सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए शिमला में आते हैं। उसके बाद है मंसूरी जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अनेक और कई पर्यटक स्थल हैं जिसमें नैनीताल, रानीखेत, प्रिंसर इत्यादि। मंसूरी भी शिमला की तरह एक पर्यटक स्थल है, वहाँ भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं और अपनी छुट्टियां बिताते हैं। इसके अलावा दो अन्य श्रेणी महाभारत और नारदीवा। लघु हिमालय वर्ष भर जो है बर्फ यहाँ पे ढकी हुई नहीं रहती क्योंकि ये वृद्ध हिमालय जैसा जितना ऊंचा नहीं है, इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 1700 मीटर के करीब है जो हिमरेखा से काफी ऊपर है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है, तो इसकी औसत ऊंचाई हिमरेखा के आसपास है। तो इसलिए जब गर्मियों का टाइम आता है तो बर्फ पिघल जाती है और यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान उग जाते हैं। इन शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ये जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है
और उत्तराखंड में इसको बुग्याल और पेहल के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे दो जगह है, सोनमर्ग और गुलमर्ग, और यहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी हैं जो जहाँ पे लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो ये था हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद में आता है, और इन हिमालय जो जो हिमालय की श्रेणी है, जैसे वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो इन दोनों के बीच में घाटी पाई जाएगी। जो लघु हिमालय और शिवालिक इन दोनों के बीच में जो है, यानी शिवालिक और लघु हिमालय, लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय, इनके बीच में घाटियों का पाया जाना एक आम बात है। इन घाटियों में वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ पे हम देखते हैं ये पीर पंजाल श्रेणी यानी वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, इनके बीच में इन घाटियों का क्रम रहेगा। फिर इधर घाटियां रहेगी दोनों तरफ, शिवालिक, लघु हिमालय, इन हिमालय के बीच में घाटियां रहेगी। तो यहाँ जो घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी पाई बोलते हैं इसको, कुल्लू कांगड़ा घाटी बोलते हैं, फिर यहाँ पे इसको काठमांडू घाटी बोलते हैं, यहाँ सिक्किम में इसको चुंबी घाटी बोलते हैं। तो ये जो घाटियां हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे कश्मीर घाटी में श्रीनगर स्थित है, डल झील स्थित है, वुलर झील स्थित है। ये जो कश्मीर घाटी में है, कश्मीर घाटी एक प्लेन एरिया है जहाँ पे झेलम नदी जो है अपने विषर्ग को दर्शाती है, यानी शुरुआती दौर में ही विषर्ग दर्शाती है। और कुल्लू कांगड़ा घाटी वृद्ध हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच में यहाँ पे पड़ती है। जो हिमालय का स्ट्रक्चर है कि ये वृद्ध हिमालय, उसके बाद में घाटी, फिर लघु हिमालय, फिर घाटी, फिर शिवालिक, तो हर एक के बीच में घाटियां हैं, सपाट मैदान जैसे स्थान स्थान है, तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी लगभग इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। ये हिमालय की सबसे नवी श्रेणी है, और अगर उत्तर से देखें तो ये सबसे दक्षिणी श्रेणी भी है, और इसको भाई हिमालय भी कहते हैं। इसका स्वतंत्र अस्तित्व है कोसी नदी तक है। कोसी नदी हम यहाँ पे देखते हैं बिहार, बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी, यह नेपाल से यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से होके गुजरती है, तो यह बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। तो यहाँ इसका स्वतंत्र अस्तित्व है केवल यहीं तक, उसके बाद में ये लघु हिमालय से सट जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखता है। इन पहाड़ियों को वहाँ की लोकल जनजातियों के नामों से जाना जाता है, जिनको डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन दोनों हिमालय के बीच में भी घाटी पाई जाती है, जिनको क्रमशः दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। और लघु हिमालय और शिवालिक दोनों जो है, हमने पढ़ा था कि दोनों एक सेपरेट जोन के द्वारा डिवाइडेड है, उस जोन को हम बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी जहाँ पे हमारा लघु हिमालय और ये है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं इसको, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट मैदान और इसके बीच के एरिया को बोलते हैं, और ऊपर वाले एरिया को मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, और ऊपर वाला सचर जोन यानी ट्रांस हिमालय, उसके बीच में सचर जोन। तो ये इनकी पहाड़ियाँ थी जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में शिवालिक हिमालय था। अब आगे का टॉपिक हमारा रहेगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो है हिमालय का दक्षिणवर्ती मोड़ का ही एक भाग है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, और इन पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को
अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो स्टेट है जिनमें अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि एक पहाड़ी है जो हिमालय का दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शा रही है। ये सबसे हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। उसके बाद में नागा पहाड़ी जो नागालैंड में, लेमाटोल की पहाड़ी जो मणिपुर में यह प्रसिद्ध एक लोकटक झील है जिसको तेरेतावा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। उसके बाद में मिजो पहाड़ी जिसको लुजाई की पहाड़ी भी बोलते हैं, ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। इसके बाद है ब्राइडल की पहाड़ी जो कि लेमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, ये हिमालय का हिस्सा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं मिकीर और रेंगमा पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी हिमालय का हिस्सा ना होकर ये मेघालय के पठार यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो ये गारो खासी जयंतियाँ मेघालय के पठार पर स्थित पहाड़ियाँ हैं। ये वाला हिस्सा राजमहल की पहाड़ियों का ही पूर्व की ओर विस्तार है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ने इसको काट के यहाँ गैप बना दिया और इसको मिट्टी से पाट दिया। इसको मालदा गैप बोलते हैं या इसको राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं। गारो खासी और जयंतियां, इनमें गारो पहाड़ी की ऊंची चोटी जो है नाकलेक है जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। फिर खासी पर्वत की जो चोटी है उसकी चोटी का नाम है कैलाश, 1926 मीटर है। इस प्रकार ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं जो आप चित्र में देख सकते हैं। हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग उनका नामकरण किया गया। और यहाँ हिमालय का दक्षिणवर्ती मोड़ जो कि अराकानियोम पर्वत के रूप में म्यांमार में है, ये वाला जो खालिस्तान आप देख रहे हैं ये म्यांमार है। तो म्यांमार में अराकानियोम पर्वत के नाम से जाना जाता है और यही पर्वत जो है आगे बंगाल की खाड़ी में जाके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में समुद्र में बाहर निकला हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी में बाहर निकला हुआ है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में जानते हैं। तो ये था हिमालय का पूरा ब्यौरा कि हिमालय क्या है और हिमालय के की पहाड़ियाँ और उसके प्रमुख भाग, उसके बारे में एक वर्णन। अब हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभिन्न में दूसरा भाग जिसको हम उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। इसमें सिंधु सतलुज की नदियां, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान मुख्य रूप से शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर लंबाई देखें तो जैसे हमने हिमालय की लंबाई पढ़ी थी लगभग 2400 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई भी लगभग 2400 किलोमीटर के लगभग है। और इसकी चौड़ाई देखें तो 250 से 350 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। चूंकि ये क्षेत्र जस्ट हिमालय के नीचे तलहटी वाले एरिया में है तो यहाँ बहुत सारी नदियां बहती है, तो ये यहाँ जल की आपूर्ति एकदम अच्छी है, तो खेती अच्छी होती है। और खेती अच्छी होने के कारण यहाँ आम आदमी को मिलने वाली सुख सुविधाएं अच्छी है, यहाँ फसल अच्छी होती है, इसलिए यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। ये मैदान को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु सतलज की सहायक नदियों का मैदान, गंगा का मैदान और इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 प्रमुख मैदानों में हम इसको बांटते हैं। गंगा के मैदान में यहाँ से गंगा और यमुना यहाँ से चलती है, यहाँ से लेके और तीस्ता नदी जो सिक्किम से जो निकलती है, तीस्ता नदी यहाँ तक गंगा का मैदान माना जाता है। और असम और ये पूरा एरिया ब्रह्मपुत्र का मैदान माना जाता है। और इधर पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा और ये राजस्थान का हिस्सा जो कि गंगा नहर जहाँ से निकली हुई है, ये पूरा हिस्सा पंजाब का मैदान कहलाता है। तो इस प्रकार ये था हमारा उत्तर भारत का मैदान का एक व्यू कि उत्तर भारत का मैदान कहाँ स्थित है, यानी ये हिमालय के जस्ट दक्षिण में स्थित है। तो अब देखते हैं उत्तर भारत के मैदान की संरचना, इस संरचना क्या क्या है। जैसे उत्तर भारत के मैदान में ये हिमालय से कोई भी नदी उतरती है, नदी उतरेगी और अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े गोलाकार आकृति के पत्थर, जैसा कि आपने बद्रीनाथ में जब बाढ़ आई थी
तब देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बोल्डर नदी में आ गए थे। तो वैसे ही बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो हिमालय को काट के नदी लेके आती है वो लाके उसके गिरिपाद पे लाके जमा कर देती है। जमा करने के बाद में नदी का पानी कंटिन्यू बहता रहता है और वो पत्थर इतने हो जाते हैं वहां पे कि एक बार देखने से ऐसे लगता है कि नदी यहाँ पे लुप्त हो गई। तो ये जो हिमालय का गिरिपाद वाला हिस्सा है, यानी किसी भी पर्वत का गिरिपाद का हिस्सा जहाँ पे बहुत सारे बोल्डर हैं, नदी का पानी उसमें लुप्त हो जाता है और नदी का अस्तित्व वहां ऐसे लगता है कि जैसे खत्म हो गया। तो ये वाला एरिया भावर कहलाता है। उसके बाद में भावर से पुनः नदी मैदान में निकलती है, लेकिन वहां जो जमीन है वो तराई के रूप में होती है, यानी तर जमीन हो जाती है। जैसे ही इन पत्थरों से वापस पानी निकलना शुरू करेगा तो वहां की जमीन पूरी एकदम गीली होके और पुनः पानी वहां से फ्लो करना शुरू करेगा। तो ये वाला एरिया जो है उसको हम तराई वाला एरिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसको, ये जो पानी के रूप में दिखाया गया है इसको बोलते हैं तराई, यानी तराई वाला एरिया ये वाला कहलाता है। और उसके बाद में जब और आगे नदी बहती है तो नदी का फ्लो हर बार बाहर की तरफ बहता रहता है, सीधा सीधा रास्ता है। नदी नदी अपनी यहाँ घाटी बनाती हुई यहाँ घाटी में बह रही है, पानी यहाँ तक बह रहा है और एक बार फ्लो मार के यहाँ तक चला जाएगा। तो ये जो पुराना जलोढ़ का क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं बांगर। इसमें बहुत सारे कंकर पत्थर और चूना पत्थर की गुट्टी का जैसा जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। और ये बंजर एरिया वाला एरिया क्षेत्र है, जो जितने भी घर वगैरह बने होते हैं नदी के किनारे वो सब बांगर एरिया में बने रहते हैं। उसके बाद में जो घाटी नदी की घाटी के पास वाला एरिया है खादर, जहाँ पे नदी हर बार एक नई मिट्टी का जमाव कर देती है। तो ये वाला उपजाऊ वाला एरिया है जिसे लोग खेती में यूज करते हैं, खादर वाला एरिया इसको बोलते हैं। खादर ये सबसे उपजाऊ एरिया है खादर, और इस सबसे बीच में नदी घाटी। तो मैदान में बनने वाली संरचनाओं में क्रमशः भावर, उसके बाद तराई, फिर बांगर और उसके बाद खादर और उसके बाद नदी घाटी, यानी नदी का जल यहाँ बहता रहता है। तो ये था हिमालय और भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो में कोई कमी मिलती है तो आप जरूर कमेंट करें, उसमें बताएं कि इसमें ये कमी है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।